अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने चढ़ाया है पानी के अंदर गोश्त, गोश्त के अंदर डाले हैं लहसुन और प्याज। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर तो लाजमन करिएगा। जो भी मेरे बहन भाई नए आने वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। ये मेरा बेटा मुझे बहुत तंग कर रहा है। ये देखें जी, अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ नमक। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला। ये मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ ये हल्दी। ये मैं डाल रही हूँ लाल मिर्चें। ये डाल रही हूँ इसके अंदर खुश्क धनिया डाला जी इसके अंदर। ये अब मैं इस गोश्त को चढ़ा दूँगी और जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, ये गल नहीं जाता, तब तक ये पकता रहेगा जी। पीछे हो जाओ। अब देखना ये है कि ये गोश्त मैंने किस लिए चढ़ा है, इसके अंदर डालना क्या है। प्लीज़ ये देखने के लिए मेरी वीडियो स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। गोश्त के अंदर हम क्या डालते हैं जी, ये हम आगे देखते हैं जी। जब तक इसका पानी ये बॉयल हो रहा है, गोश्त बिल्कुल गल जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम डालेंगे इसके अंदर। अगली वीडियो में देखेंगे कि क्या डाल रहे हैं हम इसके अंदर। फुल वॉच करिएगा प्लीज़ मेरी वीडियो को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं जी। नए आने वाले दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गोश्त का तकरीबन पानी सूख चुका है, अब थोड़ा बहुत रह गया, वो मैं भी कुछ कर लूँगी। और ये देखिए मैंने अभी इसके अंदर टमाटर भी डाले हैं, उसको मैं डालना भूल गई थी। तो अभी कुछ पानी है तो मैंने दो टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये देखें जी, और यहाँ रखी हुई है गोभी, वो मैं अभी बनाने लगी हूँ गोभी। निकलने का नाम नहीं ले रही है गोभी, निकलो भाई। ये देखें, ये छोटा सा फूल मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, लेकिन ये वाइट नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है। बस उनका ये है कि वो बाइक पे बैठ जाते हैं, उनको जैसी भी सब्ज़ी मिले वो उठा के ले आते हैं जी। तो मैं कहूँ तो ये गलत है, तो वो कहते हैं कि आप खुद ले लिया करो, मुझे ना कहा करो भाई। ये देखो भाई, ये है उन सब्ज़ी लेकर आए हैं फूल गोभी। ये ज़रा मैं उनको दिखाऊँगी, ये कैसी गोभी लेकर आए थे रात, बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। ऊपर से जहाँ जहाँ से ये ख़राब लग रही है, मैं निकाल लूँगी यहाँ से भी काटनी पड़ेगी। तो ये मैं बनाने लगी हूँ, बस थोड़े से गोभी डाल के गोश्त को मैं फिर आपको तैयार करके दिखाऊँगी जी। ये मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करने लगी हूँ, थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसके अंदर। गोश्त तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है, मैं इसकी बुनाई करना शुरू कर रही हूँ जी। आप देखेंगे मैं इसकी बुनाई करूँगी। ये जी व्यूअर्स, आप यहाँ देख रहे हैं गोश्त बिल्कुल ही भून भून के ना बस रेडी हो गया। अब सिर्फ ना इसके अंदर जी अब हम डालने वाले हैं ये फूल गोभी। मैं कैसे डालूँ, हाथों से उठा के डालते हैं जी, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड तो है नहीं। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ती हूँ और एक हाथ से काम करती हूँ जी। ये हम डाल रहे हैं फूल गोभी।
इसके अंदर हमें एक गिलास पानी डाल के इसके ऊपर प्लेट दे के खड़ा देंगे। जब ये फुल रेडी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या शक्ल निकली है जी। ये देखिए जी गोभी फुल तैयार हो चुकी है। अब बस मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि घी इसके अंदर से सारा निकल आए ऊपर। जितना घी हम भुनाई करेंगे उतना घी ऊपर आएगा। ये देखें जी मैं भून रही हूँ इसको। ये देखें ये घी ऊपर आ रहा है जी। सारा में चारों तरफ घी हो तो खाने के देखना ही मज़ा। तकरीबन मेरी गोभी रेडी है। अभी मैं डिश आउट करती हूँ। देखें जी कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से ही हमारी हिम्मत बनती है जी, हमें हौसला मिलता है हमारे काम का जी, हमारी मेहनत का फल मिलता है जी। देखिए जी डिश आउट हो चुका है गोभी का सालन। उम्मीद है मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही मज़े का सालन बना है। आप ट्राई करिएगा, पसंद आएगा जी आपको ये मेरा सालन। दे दीजिए जी डिश आउट हो चुका है जी। बहुत ही खूबसूरत लुकिंग आ रही है और बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का है जी।